हमें यहाँ पे केवल दो ही अकाउंट बनाने सीखने हैं। देखिए क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है भाई पी क्यू आर जो है ना वो पार्टनर हैं एक फर्म के अंदर, और 2:2:1 में जो है ना पार्टनरशिप कर रहे हैं। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड डैट ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर, अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके एग्जीक्यूटर को क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। एग्जीक्यूटर का मतलब कौन होता है, एग्जीक्यूटर का मतलब हो गया अब वो तो लुढ़क गया, अब उसके बिहाफ पे किसी को तो देना पड़ेगा। जैसे नॉमिनी वर्ड आपने सुना होगा कि अगर मैं मर गया तो भाई मेरा नॉमिनी ये है, मेरा सारा जायदाद इसको दे देना, पैसा वगैरह, तो एक टाइप का नॉमिनी कह सकते हो। एग्जीक्यूटर का मतलब जो भी जो उस पार्टनर का जो भी हिस्सा पार्ट बन रहा है वो अब किस बंदे को मिलेगा, वो उसका एग्जीक्यूटर कहलाता है। तो साझेदारी संलेख में ये लिखा हुआ है कि अगर किसी भी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो भाई हम उसको ये चीज़ें देंगे। क्या क्या चीज़ें देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 12% का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे जी 18% का, सैलरी देंगे 12% पर एनम की। कल जो दो चीज़ें सीखी थी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और प्रॉफिट की कैलकुलेशन, वो पॉइंट अब आपको यहाँ पे यूज़ करने के लिए मिलेंगे। और प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होगी वो डी पॉइंट मैंने बता दिया। क्या कह रहा है ये, शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म अप टू द डेथ ऑफ हिज डेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। क्या होगा सुरभि इस लाइन का मतलब, डी पॉइंट में लिखा हुआ है शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। आवाज आ रही है बेटा, पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पे ही हमको कैलकुलेट करना है, जैसे कल हमने क्वेश्चन करे थे। ये चार चीज़ें पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली मुझको देनी है। अब क्या हुआ जी, पी की डेथ हो गई 31 मई 2018 को। अक्षिता जी कितने महीने की कैलकुलेशन करनी है, 31 मई 2018 को लुढ़क गया है जी। अक्षिता जी आवाज़ आ रही है, आप हमें सुन पा रहे हैं अक्षिता जी, हो यहाँ पर जी सर, लग नहीं रहा मुझे हो यहाँ पे, क्यों क्या हुआ। मैं आपको आवाज़ दे रहा था ना बहुत देर से, बहुत देर से हाँ कनेक्ट, हाँ अब तो लीड में ही दिक्कत होगी, या कनेक्ट करके भाग गई। सच सच बता दो, नहीं नहीं सही सही बता दो, मुझे लग रहा है कनेक्ट करके तुम चली गई। सर कहाँ जाऊंगी। अच्छा बताओ क्वेश्चन में डेथ किसकी हुई है, पी की। कब हुई है, 31 मई को। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मुझे कितने महीने के प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना कैसे पता लगता है। एक महीने की। और अच्छे से देख लीजिए, लॉक कर दूं। कर दो सुरभि जी, सोनू जी कितने महीने की कैलकुलेशन करनी है, 2 महीने की सर। 1 महीने की क्यों करनी है अक्षिता, अभी कह रहे थे लॉक कर दो कॉन्फिडेंस के साथ सर। नहीं 2 महीने। और दो महीने की क्यों करनी है, क्योंकि सर 31 मई लिखा हुआ है, तो अप्रैल का पूरा महीना और मई का पूरा महीना। अच्छा अब वो कह रहा है भाई मुझे 2 महीने की कैलकुलेशन करनी है प्रॉफिट की, पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पे करनी है, उसकी जो कैपिटल है वो 80,000 रुपये थी, और जो ड्राइंग है ही हैड विड्रॉ 15,000 रुपये, 15,000 रुपये उसने निकाले थे पर्सनल यूज़ के लिए, और इंटरेस्ट ऑन इस ड्राइंग वास कैलकुलेट एज 1,200 रुपये। वो भी आपको खुद ही कैलकुलेट दे रखा है, मतलब ये जो 18% है ना, ये जो 18% है ये आपको लगाना नहीं है, खुद ही कैलकुलेट करके दे रखा है उनने 1,200। और फर्म का जो प्रॉफिट है पिछले साल का वो कितना है, 30,000 रुपये फर्म का प्रॉफिट है पिछले साल का। ये सारी रामायण कथा आपको दे रखी है बेटा। अब आप जरा क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है प्रिपेयर पी कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर।
आपको बेटा इस चैप्टर के अंदर क्या करना है, डेथ वाले के अंदर जब हम रिटायरमेंट में करते थे तो बेटा हम पूरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते थे, पूरा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, जो बचे वो भी, जो रिटायर हो गया वो भी, सबका अकाउंट बनता था। यहाँ हमें सबका नहीं बनाना। तनीषा जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई पी क्यू आर पार्टनर हैं, 2:1 में पार्टनर हैं और साझेदारी संलेख के अकॉर्डिंगली अगर किसी भी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, ये चार चीज़ें आपको देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी और प्रॉफिट। पी मर गया 31 मई को, 2 महीने की कैलकुलेशन करनी है प्रॉफिट की, उसकी कैपिटल इतनी है, उसकी ड्राइंग इतनी है और उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया, मुझे अलग से नहीं करना। और जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है वो पिछले साल वाले प्रॉफिट के बेस पे ही कर देनी है, और पिछले साल का जो प्रॉफिट है वो भी क्वेश्चन में दे रखा है। तो डेथ के अंदर हमें सारे अकाउंट नहीं बनाने होते, हमें डेथ के अंदर केवल उस पार्टनर का अकाउंट बनाना होता है जिसकी डेथ हो रही होती है। कैसे बनता है? बनेगा वही बेटा जैसे हम कैसे बनाते थे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। पूरा हम बनाते थे ऐसे, हम यहाँ लिखते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट, हम बनाते थे पर्टिकुलर ए बी सी और फिर से पर्टिकुलर, फिर ए बी सी, ऐसे बनाते थे, ठीक है ऐसे। अब हमें क्या करना है, अब हमें सारे का नहीं बनाना, सिर्फ जो मर गया सिर्फ उसका बनाना है। जैसे मान लो सी मर गया तो अब मुझे केवल इतना बनाना है, मैं यहाँ लिखूँगा पर्टिकुलर रुपीज़, पर्टिकुलर रुपीज़ और पर्टिकुलर रुपीज़, केवल चार कॉलम बनेंगे अब। और ऊपर हेडिंग क्या आएगी, ऊपर हेडिंग अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं, ऊपर हेडिंग अब आएगी सी कैपिटल अकाउंट, या जो जो मर रहा है, जैसे यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में पी मर रहा है, बनेगा बिल्कुल वैसे ही जैसे हम करते आते हैं, बस तीन की जगह अब एक का बनाना है। तो अब ज़रा देखिए बेटा क्या करना है आपको, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। हेडिंग क्या आ गई, पी कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीज़, पर्टिकुलर रुपीज़। ऐसा क्यों बनाए बेटा, क्योंकि मैंने बोला केवल एक का बनाना है, सबका नहीं बनाना, जो मर रहा है केवल उसका। क्या करते थे बेटा, सबसे पहले आता था ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बी डी लिखते थे, तो बेटा सबसे पहले आएगा ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बी डी, कितना आएगा 80,000 रुपये। कहाँ से आएगा 80,000 रुपये, क्वेश्चन में दे रखा है कि उसकी कैपिटल कितनी है, 80,000 रुपये है उसकी कैपिटल। तो भाई सबसे पहले आता है ओपनिंग कैपिटल, 80,000 रुपये डाल दिया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है क्या क्या चीज़ें अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्या क्या चीज़ें उसको मिलेंगी। तो बोला भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा जी पार्टनर को, कितना मिलेगा वो भी दे रखा था, 12% कह रहा है जी, 12% दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल कितनी है, 80,000 रुपये, 80,000 का आपको क्या करना है, 80,000 का कितना निकाल देना है, 80,000 का निकालना है बेटा 12%। तो जब मैं 80,000 का 12% निकालूंगा, दो जीरो से दो जीरो काट दूंगा, तो दो जीरो से दो जीरो काट दूंगा और मेरे पास क्या रह जाएगा, मेरे पास रह जाएगा बेटा 800 × 12, 800 × 12 जब मैं करूंगा तो बेटा मेरे पास अमाउंट आएगा 9600। बेटा बस एक ही बात भेजे में फिट कर लेनी है, दिमाग में सेट कर लेनी है, कोई भी चीज़ हो वो, कोई भी, केवल प्रॉफिट ही नहीं, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, हमें सारी चीज़ों की कैलकुलेशन केवल उतने ही टाइम पीरियड तक करनी है जितने टाइम पीरियड की वो बात हो रही है। 2 महीने की बात हो रही है, 2 महीने के अप्रैल और मई। तो बेटा सारी चीज़ें, चाहे वो प्रॉफिट है, चाहे वो सैलरी है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कुछ भी है, कुछ भी, हमें सारी की सारी चीज़ें 2 महीने के हिसाब से ही देनी है। अगर आपने पूरे महीने के साथ, अगर मैं भी ऐसे कर देता 80,000 का 12% 9,600, मैं या 9,600 लिख देता तो गलत हो जाएगा बेटा, आपको सारी कैलकुलेशन उसी के हिसाब से करनी है। तो 9,600 तो पूरे साल का है, आपको बेटा केवल कितना करना है, आपको केवल 2/12। तो जब इसको 2/12 करोगे तो आएगा 1,600 रुपये। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 1,600 रुपये। अच्छा जी ठीक है,
सैलरी देनी है 12,000 ले, और यहाँ क्या लिखा है पर एनम, तो ये तो पूरे साल की है, मुझे कितनी देनी है केवल 2 महीने की, तो 2/12, 12 से 12 कट गया, ये आ जाएगा इधर 2,000 रुपये। सारी चीज़ देख लीजिए, ओपनिंग कैपिटल डाल दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट की, प्रॉफिट कैसे देते हैं। ये P&L सस्पेंस अकाउंट कहाँ से आ गया, कल ही मैंने सिखाया कि जब भी किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो उसके प्रॉफिट के ट्रांसफ़र के लिए जो अकाउंट ओपन होता है उसको P&L सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। कैसे आएगा ये 2,000 रुपये, उसने बोला पिछले साल के प्रॉफिट पे, पिछले साल के प्रॉफिट पे कैलकुलेट कर दे, पिछले साल का प्रॉफिट कितना 30,000 रुपये। तो पहले तो मुझे ये निकालना पड़ेगा कि 2 महीने का प्रॉफिट जो है कितना होगा, पहले तो मैं ये निकाल लेता हूँ। तो भाई 30,000 का, 30,000 का सबसे पहली बात तो मैं 2/12 कर देता हूँ। जब मैं 30,000 का 2/12 अगर मैं कर दूंगा तो बेटा मेरे पास जो फिगर आएगी वो आएगी 5,000 रुपये। पहले मैंने 2 महीने का प्रॉफिट निकाल लिया, अब ये तो 2 महीने का प्रॉफिट आ गया। अब इसमें पी का शेयर कितना है, पी का शेयर अब वो निकाल लेता हूँ। तो 5,000 में पी का जो भी शेयर है, पी का शेयर देख लेते हैं, पी का शेयर कितना है, पी का जो शेयर है क्या कहते हैं, 2/5 है, 2/5 है पी का शेयर। तो हमें क्या करना है बेटा, इसका इसका 2/5 कर देना है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो ये क्या आ गया, ये आ गया बेटा 2,000 रुपये। तो ये प्रॉफिट कैसे आया है कल ही आपको मैंने सिखाया है। अब जो क्वेश्चन होंगे ना बेटा, फुल फ्लैश क्वेश्चन होंगे अब, ठीक है, उसके अंदर जो प्रॉफिट वाला जो पोर्शन होगा और जो गुडविल वाला जो पोर्शन होगा, अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन होगी और जो गुडविल की कैलकुलेशन होंगी वो सारी वही होंगी जो हमने कल सीखी हैं। वो एवरेज वाला भी केस हो सकता है, वो प्रीवियस ईयर वाला भी केस हो सकता है, वो सेल वाला भी हो सकता है कि सेल के बेस पे निकाल, कोई भी हो सकता है बेटा। तो वो आपको कल वाली क्लास अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि 2 पॉइंट प्रॉफिट और गुडविल ये तो आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। तो भाई ये मैंने ओपनिंग कैपिटल डाल दी, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी और प्रॉफिट दे दी, और प्रॉफिट को लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ध्यान रखिएगा। ये दे दिया, ये तो पार्टनर को ये दे दिया, लेकिन मुझे लेना क्या क्या है, जो बेटा उसने ड्राइंग करी है, जो पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला है, ड्राइंग इधर आ गई, और उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट भी उसने खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया था 1,200 रुपये का, तो 1,200 रुपये का इंटरेस्ट उससे लेना है। 15,000 जो उसने पर्सनल यूज़ के लिए निकाले वो लेने हैं, और 1,200 रुपये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो लेना है। अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ का टोटल करना है, यहाँ का टोटल आएगा 85,600 रुपये, और उसमें से इन दोनों डिजिट को माइनस कर देना है 16,200। 85,600 में से आपको क्या करना है, 16,200 को माइनस कर देना है। तो आप जब इसको माइनस करोगे तो आपके पास जो फिगर आएगी वो आएगी बेटा 69,400। ये जो पैसे आए इसका मतलब है मैंने पी की सारी कैलकुलेशन कर ली बेटा, मैंने पी की सारी कैलकुलेशन कर ली, और सारा हिसाब किताब करने के बाद मुझे ये पता लग गया कि पी को कितने पैसे देने हैं। तो भाई पी को पैसे देने हैं 59,400 रुपये। तो वो अब पी तो लुढ़क गया, अब पी को किसको देने हैं, वो पी तो ले नहीं पाएगा। यहाँ लिखते हैं पी एग्जीक्यूटर अकाउंट, और सारे के सारे पैसे उसके एग्जीक्यूटर को दे देते हैं 69,400। इस तरीके से पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है। जैसे बेटा हम रिटायरमेंट में क्या करते थे, अगर एक मिनट बस, जैसे हम रिटायरमेंट में क्या करते थे कि क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो हम यहाँ लिख देते थे पी लोन अकाउंट, उसके लोन अकाउंट में डाल देते थे क्योंकि वो जिंदा था उसी को मिलेंगे। तो बस यहाँ लोन अकाउंट ना लिख के, अब यहाँ पे वो मर गया तो हम यहाँ लिख देते हैं एग्जीक्यूटर अकाउंट। बोलिए क्या अक्षिता। सर आपने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, 2,000 रुपये कैसे आया? ये 2,000 रुपये कैसे आया, अभी तो बताया बेटा, उसने बोला प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे करनी है, उसने बोला ये वाले पॉइंट में देखिए, कह रहा है प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन है वो पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पर होगी। तो पिछले साल का जो प्रॉफिट, पी का शेयर नहीं है,
आप भाई 30,000 रुपये पिछले साल का प्रॉफिट है, आपको पहले 2 महीने का प्रॉफिट निकालना है। 2 महीने का कैसे निकलेगा? मैंने बोला 2 महीने का निकालने के लिए आप कर दीजिए 30,000 × 2/12। पहले 2 महीने का निकालोगे आएगा 5,000। अब उस 5,000 में पी का शेयर कितना है? 2/5, 5 × 5, 5 × 5, तो 1,000 × 2, 2,000, ऐसे आया है ये पी का शेयर। आ रही है समझ में? जैसे हम यहाँ पे लोन अकाउंट लिखते थे, बस लोन अकाउंट यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ आएगा एग्जीक्यूटर। और इसके बाद क्या बनता है बेटा? जैसे पहले हम यहाँ लोन अकाउंट लिखा था रिटायरमेंट में, फिर लोन अकाउंट बनाना सीखा था, तो ऐसे ही यहाँ पे अब बेटा एग्जीक्यूटर आया है, तो इसके नीचे कौन सा अकाउंट बनेगा? इसके नीचे जो अकाउंट बनता है वो बनता है एग्जीक्यूटर अकाउंट, कि भाई ये पैसे जो हैं एग्जीक्यूटर को कैसे देने हैं। फिर वही बात, किस्तों में जाएंगे पैसे, कि ये 69th, जैसे ऐसे बोलेगा आपको कि जी 9,400 रुपये जो हैं वो तो कैश में दे दिए इमिडिएटली, तो यहाँ कैश, वो अगर एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे, और बाकी के जो 60,000 रुपये बचे हैं वो जी 3 किस्तों में जा रहे हैं और जी 6% के ब्याज पे जा रहे हैं। तो वही करना है जो लोन अकाउंट में करा था, कोई अलग चीज़ नहीं, बस हेडिंग एग्जीक्यूटर आएगी, लोन अकाउंट नहीं आएगा। तो मैं आपका टेस्ट इसलिए ले रहा हूँ हेलो क्यों, सर। हाँ जी हाँ जी, सर ये पूछना, इसमें सस्पेंस अकाउंट क्यों लगा है? सर इसमें पूछना, सस्पेंस अकाउंट क्यों लगा है प्रॉफिट एंड लॉस के पीछे? प्रॉफिट एंड लॉस के पीछे सस्पेंस अकाउंट जो है क्यों लगाते हैं? इसका कोई ऐसा कोई वैलिड वो नहीं है, इसका ऐसा कोई वैलिड वो नहीं है कि इसके पीछे सस्पेंस अकाउंट क्यों लगाया जाता है, ऐसा कोई वो नहीं है। अब हमें क्या करना है, ये जो है 69,400, ये आ गया, ये अमाउंट किस चीज़ को वो कर रहा है? ये अमाउंट किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि भाई पी को इतने पैसे देने हैं। उसने क्या बोला कि पी का अकाउंट बनाइए कि कितने पैसे उसके एग्जीक्यूटर को रेंडर्ड करने हैं, तो भाई इतने पैसे जो हेलो, हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे तो कोई बात तो नहीं है नहीं भाई, लिखना है, लिखना तो मस्ट है, सिर्फ पी एंड डन नहीं लिखना। लिखना है, क्या कोई रीजन है ये तो पूछ रहा हूँ मैं। नहीं भाई कोई रीज़न नहीं है इस अकाउंट के, फिर आपको इस अकाउंट के बारे में प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा कि पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट जो है क्या होता है, क्यों होता है, क्या करना पड़ेगा, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ऐसा कुछ है, कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। फिर इस अकाउंट के बारे में आपको डीप से पढ़ना पड़ेगा। अब जो है, अभी पहले आपको इसी टाइप के क्वेश्चन कराएगा कि भाई पहले आपको केवल कैपिटल अकाउंट बनाना है और कितना अमाउंट पार्टनर को देना है उसको कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद आपको सिखाएगा एग्जीक्यूटर अकाउंट। और एग्जीक्यूटर अकाउंट सेम वैसे ही है जो हमने लोन अकाउंट हमने बनाना सीखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन था हाँ जी इसमें जो सैलरी दे रखी है वो पर एनएम की बेस पे दे रखी है ना, हाँ जी तो वो 2/12 से डिवाइड मल्टीप्लाई करें। हर, हाँ क्योंकि मैंने बोला हर चीज की कैलकुलेशन, अगर वो पर मंथ होती तो फिर दो ले, फिर क्या, ये तो खुद ही की बात हो गई। अबे जब पर मंथ दे रखी होती है, आपको कितने की निकालनी है, कितने महीने की कैलकुलेशन करनी है, तो 2 से गुणा कर देंगे, ये क्या बात हुई अबे जब पर मंथ दे रखी है तो फिर तो 2 से गुणा कर देंगे, फिर क्या दिक्कत है। अब जो है नहीं होगा, नहीं होगा, क्वार्टरली जो है ठीक है नहीं होगा, क्या कहते हैं क्या कहते हैं, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। क्वेश्चन नंबर 67 का मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 67 के अंदर कह रहा है विकास और गगन जो है, देखिए पहले मैं इस लड़के का वो दे दूँ जवाब, कि आपने क्लास 11th के अंदर भी पढ़ा होगा, जब हमारा लेजर जो है मैच नहीं होता, लेजर जब मैच नहीं होता हमारा, अगर आप लेजर बनाते थे, यहाँ हम लिखते थे पर्टिकुलर, यहाँ हम लिखते थे डेबिट, और यहाँ लिखते थे क्रेडिट,
डेबिट और यहाँ लिखते थे क्रेडिट, ठीक है, ये ऐसे लिखते थे। और जब ये दोनों बराबर आते हैं, अगर यहाँ डेबिट साइड में 5 लाख आ रहा है तो यहाँ भी 5 लाख आना चाहिए, लेकिन अगर ये बराबर नहीं आ रहा, अगर यहाँ पे 4 लाख आ रहा है तो हम क्या करते थे, हम यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट जो है ओपन करते थे। सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट जो है ओपन करके या 1 लाख करके, या 1 लाख करके क्या कर देते थे, इस अकाउंट को बराबर कर देते थे। तो जब भी अकाउंट्स के अंदर सस्पेंस वर्ड आता है, सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई वो जो अकाउंट है ना, कुछ एरर को रेक्टिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए ओपन किया गया है, इसलिए सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाता है। अब यहाँ पे इस अकाउंट का नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है इसका नाम, मतलब कि वो पार्टनर साल के बीच में ही लुढ़क गया, तो अभी तो प्रॉफिट देना नहीं था, देना तो साल के अंत में था, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसके प्रॉफिट की कैलकुलेशन सस्पेंस अकाउंट के नाम से डाल रहे हैं, और जब एट द एंड उसका जब कैलकुलेशन होगी तो इस सस्पेंस अकाउंट को जो है बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस के अंदर जो है इसको यूज़ किया जाएगा। इसलिए सस्पेंस वर्ड लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा इसका और पीछे कोई लॉजिक नहीं है। अकाउंट्स के अंदर सस्पेंस जब भी होता है तो किसी ना किसी एरर या किसी ना किसी रेक्टिफाई के लिए ओपन किया जाता है। देखिए जी, विकास गगन, अगर सिर्फ पी एंड एल लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, विकास गगन और मोमिता वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 2:1। द फर्म क्लोज इट्स बुक 31 मार्च एवरी ईयर। 30 सितंबर 2014 मोमिता डेथ। अक्षिता जी, कितने महीने की कैलकुलेशन करनी है? हैं जी, 6 महीने की। पक्का? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अच्छा, 6 महीने की करनी है। और अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख के अकॉर्डिंगली अगर किसी भी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो जी उसको ये मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? कैपिटल एज पर द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर उसकी जितनी भी पूंजी लगी हुई है वो मिलेगी, सिंपल सी बात है, वो जा रहा है तो उसने जितना पैसा लगाया था वो दीजिए उसका। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, जब उसकी मृत्यु हुई है उस डेट तक उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द डेट ऑफ डेथ, उसका प्रॉफिट में जितना भी हिस्सा है, कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर। अब की बार प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे करनी है, अब की बार प्रॉफिट की कैलकुलेशन एवरेज प्रॉफिट के बेस पे करनी है पिछले 4 साल के। अच्छा जी, हर शेयर ऑफ गुडविल, और गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करनी है, टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑन द एवरेज ऑफ द लास्ट 4 ईयर। अब आप देखिए बेटा, कौन सा चैप्टर लग रहा है यहाँ पे? तनीषा जी, गुडविल वाला एक चैप्टर पढ़ा था, और उसमें हमने पढ़ा था जी ऐसे ऐसे गुडविल निकलती है, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं तनीषा जी? यस सर। तो यहाँ कौन सा मेथड लगना चाहिए, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, कौन सा मेथड है ये? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, तो आप मुझे बताइए वो उसे कैसे निकालते थे, गुडविल इज इक्वल टू, मुझे इस मेथड से गुडविल निकालनी है, क्या एवरेज प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तुक्का लग गया इस बार तो इसका, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अच्छा, और एवरेज प्रॉफिट कैसे, कितने सालों का निकालना है एवरेज प्रॉफिट? कह रहा है पिछले 4 सालों का एवरेज निकालना है, और पिछले 4 सालों का जो प्रॉफिट है वो भाई आपको यहाँ पे दे रखा है, 30,000, 50,000, 40,000, 60,000, ये यहाँ पे दे रखा है। द बैलेंस इन द मोमिता कैपिटल अकाउंट, उसकी जो कैपिटल है वो 60,000 रुपये है, उसकी जो ड्राइंग है 10,000 रुपये है टिल द डेट ऑफ डेथ, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी खुद ही कैलकुलेट करके दे रखा है 300 रुपये। प्रिपेयर मोमिता कैपिटल अकाउंट टू बी प्रजेंट टू हर एग्जीक्यूटर, सेम क्वेश्चन है जो ऊपर मैंने अभी आपको कराया है। ओ, करना जरा इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ओपनिंग कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है,
प्रॉफिट है, गुडविल है, बस एक पॉइंट इसमें और एक्स्ट्रा है, गुडविल है, प्रॉफिट भी है गुडविल भी है। देखो ये दोनों पॉइंट तो बेटा फिक्स हैं, प्रॉफिट और गुडविल ये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और सैलरी ये हो सकता है, ये जैसे करते थे वैसे ही करेंगे और सब कुछ करके बंद कर देंगे। ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे ये करके दिखाइए कैसे होगा ये क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले ज़रा। ले लिया जी, आप ज़रा मुझे करके दिखाइए कि किसकी हिंदी। व्हाट्सएप पे ही तो हूँ, किसकी हिंदी कहाँ है तुम, किसकी हिंदी। मैंने सुबह से एक पेज भेज रखा है, बस एक ही पेज, उसमें भी आपने किसकी हिंदी कह रही हो। गुस्सा आ रहा है काफी, मेरे के ऊपर बिल फाट रही है जबरदस्ती। क्या ये प्रोडक्ट मैंने क्यों लिया, एक मिनट रुको जरा बता दो बेटा क्या बताना है ये तो बताओ, कि ये बताना है बताओ, आप मेरे से क्या पूछना चाह रहे हो। ट्रांसलेशन बता दो। सबसे पहले बेटा ओपनिंग कैपिटल डाल दी 60,000 रुपये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6 महीने का कैलकुलेट कर लेंगे 1,800 रुपये, प्रॉफिट 6 महीने का कैलकुलेट कर लेंगे पिछले 4 साल का एवरेज, फिर 10 महीने का प्रॉफिट, फिर उसमें मोमिता का शेयर, गुडविल की कैलकुलेशन कर देंगे एवरेज प्रॉफिट 4 का 3 से गुणा कर देंगे एवरेज प्रॉफिट का, गुडविल वाला आपको पता होना चाहिए कि कौन से मेथड से आप गुडविल निकाल ले हो, इक्वल में बांट देंगे क्योंकि गेनिंग रेशियो इक्वल है। ये तो हमने जो जो उसको देना था दे दिया, गुडविल दे दी, प्रॉफिट दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया और उसकी कैपिटल दे दी ओपनिंग कैपिटल, जो वो पहला पॉइंट लिखा है ना पहला पॉइंट, जैसे ये लड़की कन्फ्यूज़ हो गई कि इस लाइन का क्या मतलब है, कैपिटल एज पर द लास्ट बैलेंस शीट, तो इसका मतलब है ये जो ओपनिंग कैपिटल होती है, अब कैपिटल तो दोगे ना जब पार्टनर मरी गया जा रहा है तो उसके पैसे उसने जितने लगाए थे दो, तो उसकी बैलेंस शीट में कितनी कैपिटल है वो दे रखा था 60,000। और यहाँ पे क्या क्या है, ड्राइंग क्वेश्चन में दे रखी है 10,000 रुपये उसने ड्राइंग करी थी, उसका इंटरेस्ट ऑन कैप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्वेश्चन में खुद ही कैलकुलेट करके दे रखा है, ये रहा 300 और 10,000 उसने ड्राइंग करी थी। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर का टोटल करके 93,300 में से आपको जो है ये दोनों डिजिट माइनस कर देने हैं 10,300, जब आप इसमें से माइनस कर दोगे तो 83,000 रुपीज़ ये आ जाएगा बेटा आपका आंसर, और यहाँ पे लिख देंगे मोमिता एग्जीक्यूटर अकाउंट या एग्जीक्यूटर अकाउंट, कुछ भी जो है आप लिख सकते हो अपनी श्रद्धा अनुसार जैसा आपका मन करे। ठीक है जी, आ रहा है कुछ समझ में अक्षिता। तो देखिए 31 मार्च 2014 को पूजा कुरेशी ये रोज़ पार्टनर थे, किस रेशो में नहीं दे रखा, क्रेडिटर दे रखे हैं रिजर्व फंड तीनों की कैपिटल, बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट, कुरेशी का लोन रखा है और डेटर स्टॉक और कैश, ये पॉइंट दे रखे हैं। यहाँ पे कुरेशी की डेथ हो गई 1 जुलाई 2014 को, बताइए तनीषा जी कितने महीने की कैलकुलेशन करनी है। तीन महीने की, जुलाई को कैलकुलेट करेंगे या नहीं, नहीं। क्योंकि 1 तारीख को ही लुढ़क गया, सारी कैलकुलेशन 3 तारीख की करनी है और कुरेशी मरा है और आपको ध्यान रखना है कुरेशी का लोन है, कुरेशी ने फर्म से लोन ले रखा था, ठीक है। और इधर जो है बटने वाली चीज़ एक है और भी हो सकती है, यहाँ पे P&L, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन और यहाँ पे भी P&L, एडवर्टाइजमेंट, जो हमने पीछे पढ़ा है सब कुछ हो सकता है, तो वही कैलकुलेशन होगी सारी जो पीछे पढ़ के आए हुए हैं। अब क्या कहता है, अब वो कहता है जी द प्रॉफिट एंड लॉस नीचे दे रखा है रेशो 2:1 में साझेदार हैं जी तीनों पार्टनर, और अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो साझेदारी संलेख के अकॉर्डिंगली ये होगा भाई साहब, क्या क्या होगा। पहले पॉइंट में कहता है हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ इट डेथ, उसके लाभ में जो हिस्सा है उसकी गणना किस तरीके से की जाएगी, कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 complete years, पिछले 3 सालों का एवरेज निकालिए और उसके बेस पे कैलकुलेशन कर दीजिए। अभी ऊपर क्या करा था बेटा, ऊपर पीछे 4 साल का निकाला था, यहाँ 3 साल का निकालना है। अच्छा जी ठीक है, गुडविल की अगर बात करें
प्रॉफिट का पॉइंट होगा, गुडविल का पॉइंट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह का होगा। कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट टू ईयर। क्या होगा सुरभि इसका मतलब, क्या कह रहा है? लास्ट के दो मंथ हैं या ईयर? अच्छा, लास्ट के दो ईयर के बेस पे कैलकुलेट होगा। अच्छा जी, ठीक है। और कह रहा है भाई, एक मिनट रुकिए जरा, सॉरी। और कह रहा है भाई कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, अब जरा ध्यान से सुन लीजिए इसकी बात, इंटरेस्ट ऑन लोन की ये क्या कह रहा है। कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय फर्म टू अ पार्टनर विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अगर अगर फर्म ने जो पार्टनर को लोन दिया है उस पे बेटा कितना चार्ज किया जाएगा, उस पे जो है चार्ज किया जाएगा, उस पे चार्ज किया जाएगा 6 महीने का इंटरेस्ट और 4,000 रुपये विच एवर इज मोर। क्या कह रहा है बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्म ने जैसे यहाँ पे फर्म ने कुरेशी को लोन दे रखा है, फर्म ने कुरेशी को लोन दे रखा है 1,00,000 रुपये का। तो जी डीड में क्या लिखा हुआ है, डीड में ये लिखा हुआ है कि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द फर्म, अगर कोई भी फर्म किसी भी पार्टनर को लोन देती है तो उससे इंटरेस्ट लिया जाएगा कितना, या तो 6% या 4,000, इन दोनों पहले 6% में निकालता हूँ कितना होगा। देखिए 1,00,000 का लोन है बेटा, 1,00,000 का, 1,00,000 का 6%, 1,00,000 का 6% कितना होता है, 1,00,000 का 6% जो होता है वो तो होता है 6,000 रुपये। लेकिन मुझे कितने महीने की कैलकुलेशन करनी है, मुझे कैलकुलेशन करनी है 3 महीने की। तो 3/12, 3 × 3, 3/4 = 12, 4/4, 4/4 और 2 इधर आ गया, 4/5 = 20, ये आ रहा है बेटा 1,500 रुपये। अब ज़रा ध्यान से समझिए, हमने जब इंटरेस्ट ऑन लोन को कैलकुलेट करा, इंटरेस्ट ऑन लोन का है भाई, हाँ जी, देखिए हमने जब बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन को जब कैलकुलेट करा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, तो मेरा आया 1,500 रुपये, ठीक है। उसने बोला इंटरेस्ट कितना लिया जाएगा, या तो 6% या 4,000, इन 6% और 4,000, इन दोनों में से विच एवर इज मोर, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा। तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा है, इन दोनों में से तो 4,000 ज़्यादा है, तो मुझे ब्याज कितना लगाना है, 1,500 नहीं, 1,500 कैसे आया था, 1,500 तो मैंने पूरा हिसाब किताब करा, 1,00,000 का 6% इंटू में 3/12 पूरे कैलकुलेशन करी, तो मेरा 1,500 आया। क्वेश्चन में बोला गया है या तो 6% निकालिए, अगर मान लो ये 5,000 आ रहा होता, मैं अगर 6% निकालता 5,000 आ रहा होता और ये 4,000, फिर कौन सा लगता, फिर 5,000 ही लगता, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया विच एवर इज मोर, दोनों में से जौन सा ज़्यादा है वो लगाना है। तो भाई अभी मेरे केस में तो ये 1,500 आ रहा है, वो 4,000 आ रहा है, तो वो ज़्यादा है वो लगेगा, अगर ये 5,000 आ रहा होता और ये 4,000 है तो ये लगता। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है, और प्रॉफिट ऑफ द लास्ट थ्री ईयर, पिछले 3 सालों का प्रॉफिट ये दे रखा है। अब बेटा ज़रा ध्यान से सुनेंगे, हमें क्या करना है, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी कुरेशी की कैपिटल डाल देंगे, उसके बाद उसके प्रॉफिट की और गुडविल की। और देखिए पहले हम बात कर लेते हैं बेटा क्या कहते हैं, उसके प्रॉफिट की ही बात कर लेते हैं, पहले वाले पॉइंट की। कह रहा है प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन है पिछले 3 साल के प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट पे कैलकुलेट की जाएगी। पिछले 3 साल का क्या दे रखा है, ये दे रखा है भाई 45,000, 45,000, 48,000 और 33,000, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज जो आएगा, एवरेज वो आएगा आपका 1,04,000, ये बेटा एवरेज आ गया। तो एवरेज आपने निकाल लिया, अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 3 महीने का प्रॉफिट, 3 महीने का प्रॉफिट कितना है, तो 1,04,000 का क्या कर दीजिए 3/12, तो जब आप 1,04,000 का 3/12 करोगे तो आएगा बेटा 26,000, ये पता चल गया आपको
कि 3 महीने का कितना है। अब उसमें कुरेशी का शेयर कितना है वो कैसे निकालेंगे, 26,000 इंटू में कुरेशी का वो देख लीजिए, कुरेशी का वो कितना था ये दे रखा है, कुरेशी कहाँ पे, कौन से नंबर पे, सेकंड पे, 1/4 है कुरेशी का शेयर, तो 1/4 कर देते हैं, 1/4 26,000 का 1/4 करोगे 6,500 रुपये आ जाएगा बेटा कुरेशी का शेयर, 1/4 6,500 रुपये। ये हो गई प्रॉफिट की कैलकुलेशन। गुडविल की बात करें तो गुडविल में क्या कह रहा है, पिछले 2 साल के बेस पे कैलकुलेट कर दीजिए। पहले हम ये देख लीजिए 26,55 कैसे आ रहा है भाई इसका प्रॉफिट का, एक मिनट रुकिए बेटा, पहले गुडविल देखते हैं, पहले गुडविल देखते हैं। गुडविल की अगर हम बात करते हैं, उसने बोला पिछले 2 साल के प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट करनी है, पिछले 2 साल का प्रॉफिट ले लेंगे 21,000, कुरेशी का जितना भी शेयर है गुडविल में 1/4 20,250, और गेनिंग पार्टनर जो हैं किस रेशो में दे देंगे, 2:1 में ये पैसे दे देंगे। गुडविल का तो सिंपल है, ये आ गया गुडविल का, गुडविल में तो कुछ नहीं करना, गुडविल तो सीधा सीधा है। लेकिन ये 26,25 कैसे आ रहा है, ऊपर कोई लॉस भी है क्या, 45, 48 और 33 ये कैसे आ रहा है, प्रीवियस ईयर लॉस क्या दे रखा है क्वेश्चन में, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर 45, 48 और 33 क्वेश्चन में लॉस कहाँ से आ गया, लॉस कहाँ से आ रहा है भाई, इस गलत दे रखा है, रेशियो है ना? एक मिनट, हमने एवरेज गलत निकाला है क्या, एक मिनट रुकना जरा, मेरा तो 45,000, एक मिनट रुकना जरा, 45,000, 48,000 और 33,000, इन तीनों को जब मैं जोड़ूंगा, एक मिनट रुकना बेटा जरा, 45, 48 और 33, 126/3 42,000 आएगा। अच्छा मैंने डिवाइडेड बाय 3 नहीं करा था, एवरेज जब मैं निकालूँगा एवरेज तो आएगा 42,000, फिर मुझे 3 महीने का चाहिए, तो 3 महीने के लिए 3/12, तो 3 महीने का जब मैं करूँगा तो आएगा 10,500, और कुरेशी का अगर मैं शेयर निकालूँगा इसमें, कुरेशी का जो शेयर है 1/4/4 26,25 आ रहा था क्या, हाँ ठीक है जी। यहाँ पे जो है गुडविल क्या, तो सिंपल है, गुडविल में कुछ नहीं करना बेटा, गुडविल में आपको बस क्या करना है, बस इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को इसको कैलकुलेट कर देंगे, क्योंकि उसने बोला है बस जो पिछले 2 साल का प्रॉफिट है वही गुडविल है, तो दोनों को जोड़ेंगे जो आएगा वही गुडविल है, और कुछ नहीं करना, एवरेज वगैरह कुछ नहीं निकालना, एवरेज नहीं निकालना क्योंकि यहाँ कहीं भी एवरेज वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, पिछले 2 सालों को जोड़ देंगे आ जाएगा जो भी बटने वाली चीज़ थी। अब देखिए रिजर्व फंड कितना है, 2,00,000 रुपये, तो बेटा बटने वाली चीज़ें किस रेशो में बटती हैं, ओल्ड रेशो में बटती हैं, तो रिजर्व फंड जो भी उसका रेशो है 1/4 उसमें दे देंगे, उसके कैपिटल दे दी, गुडविल दे दिया और उसका प्रॉफिट दे दिया। अब ज़रा ध्यान से समझिए, यहाँ पे ड्राइंग नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, कुछ नहीं, यहाँ पे बेटा ये जो कुरेशी का लोन है ये 1,00,000 रुपये का फर्म ने दिया था, तो भाई फर्म को वापस भी लेने हैं उससे पैसे, अब वापस तो लेने हैं, लेकिन 1,00,000 का लोन था, 1,00,000 का, लेकिन यहाँ 1,04,000 क्यों लिखा है, क्योंकि बेटा 1,00,000 का तो लोन और 4,000 रुपये का जो हमने ब्याज अभी कैलकुलेट किया था, लोन और ब्याज दोनों लेगी फर्म इससे वापस, जो डेबिट साइड में होता है इसका मतलब है पार्टनर के पास से ये पैसे जा रहे हैं, और जो क्रेडिट साइड पे होता है यहाँ पे ये सारी चीज़ें पार्टनर को मिल रही हैं, ये पार्टनर पे कर रहा है, तो भाई जब फर्म अप दे रही है तो अपना उसका जो बन रहा है वो लेगी भी तो सही, लोन आएगा इधर क्योंकि वहाँ से इधर क्रॉस एंट्री चलती है अकाउंट्स के अंदर। 1,04,000 कहाँ से आया, 1,00,000 का लोन, 4,000 का ब्याज, और ये यहाँ पे आएगा बेटा CD नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आएगा 2 कुरेशी एग्जीक्यूटर या एग्जीक्यूटर अकाउंट जो है यहाँ पे लिख देंगे 68,875।
तो हर क्वेश्चन में यही करना है, गुडविल, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, और कोई सा उसमें कुछ नहीं होगा। कल बस हम इसके अंदर एक एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना सीखेंगे और आपका जो है ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। उससे पहले आपका ट्यूसडे को टेस्ट हो जाएगा, तो आपको लोन अकाउंट समझ में आ जाएगा, तो मेरे को आसानी होगी एग्जीक्यूटर अकाउंट कराने में।